पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालिफाई हुई विनेश फोगाट की वतन वापसी हो गई है। वे दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 11 बजे बाहर आईं। इस दौरान वे अपनी साथी रेसलर साक्षी मलिक के गले लगकर रोने लगी। इसके बाद विनेश ओपन जीप में रवाना हो गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत देख विनेश ने कहा, पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से विनेश के पैतृक गांव बलाली तक करीब 125 किलोमीटर के रास्ते में उनका जगह जगह स्वागत होगा। गांव के खेल स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि एक दिन पहले ही आचार संहिता लग जाने के कारण राज्य सरकार इन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही है। बता दें, सीएम नायब सैनी ने कुछ दिन पहले विनेश को 4 करोड़ रुपये और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। नमस्कार। देखो, आज बहुत बड़ा दिन है। विनेश ने जो महिलाओं के लिए किया है, जो पूरे भारत देश के लिए किया है, वो बेहतरीन है। और बस उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे ऐसे ही प्यार मान सम्मान दोगे। कितना प्यार मिल रहा है पूरे देशवासियों से और हरियाणा से खासतौर पर? देखो, आप देख ही रहे हो पूरा, मतलब कितने लोग आए थे विनेश का स्वागत के लिए। तो बस मेन कहना ये है कि मेडल नहीं लेके आई, कोई बात नहीं, मेडल नहीं मिला, लेकिन वो जो काम करके आई है ओलंपिक के फाइनल्स में पहुंच के, एक ऐसी रेसलर को हराया है जो अब कभी हारी ही ना हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए वो ओलंपिक चैंपियन से कम। ये कोई राजनीतिक यात्रा तो नहीं है साक्षी जी? कोई राजनीतिक यात्रा तो नहीं है? राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये एक पहलवान का स्वागत है, ये एक ओलंपिक चैंपियन का स्वागत है।